उसी दिन की बात है, हम अपने दोस्त की शमशान यात्रा में शमशान गए थे। कृष्ण प्रसाद, अच्छा हुआ तुम्हें ही मिल गए। कृष्ण प्रसाद, अब जरा जलती हुई चिता के शोलों को गौर से देखो, जो चीख चीख कर मुझसे मेरे बेटे की मौत का इंतकाम मांग रहे हैं। लेकिन तुम्हें तो मरना नहीं, जीना है। अब कोई नहीं जिएगा कृष्ण प्रसाद, कोई नहीं। तुम्हारी जिद और तुम्हारे अहंकार की आग ने सब कुछ जला दिया है। कानून करे भी तो क्या करे, जो दूसरों के खून को पानी समझ के बहाता है वो अपने गंदे कर्मों की आग में इसी तरह जल जाता है महाकाल। मगर ये चलने वाला कोई और नहीं, महाकाल का इकलौता बेटा था, जो अपने चिता की लकड़ियों के साथ कई और चिताएं जलाकर जाएगा। गौर से देख, गौर से देख उन तीन चिताओं, मैंने तेरे खानदान के लिए तैयार की है। मैंने कसम खाई है, अपने बेटे की चिता की आग ठंडी होने से पहले तेरे सारे खानदान की चिताएं इसी शमशान घाट में जलवाऊंगा। कृष्ण प्रसाद, यहां से तुम्हारे घर का फासला सिर्फ 30 मिनट का है। 20 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे सारे परिवार की मौत तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। अगर बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ।